हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्क पिक्चर्स। आज फ्रेंड्स हम ये वाली फ़ोटो एडिटिंग करेंगे। इसके लिए हमें ये बैकग्राउंड को शेयर करके पिक्सार टाइम पर कर लेते हैं और उसके बाद ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और अपनी ये वाली फ़ोटो हम ऐड कर लेते हैं। अब इसे हम फुल स्क्रीन पे सेट करेंगे, जितना हमें एडजस्ट करना है वैसे कर लेते हैं और इसके बाद रेजर टूल पर क्लिक करेंगे और इसके बैकग्राउंड को रेज करेंगे। उसके लिए हम सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे और उसके ऊपर पर्सन पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा पर्सन सेलेक्ट होकर रह जाए। कुछ टाइम वेट करेंगे, उसके बाद ये ऐसा हो गया। अब इसे हम थोड़ा अच्छे से करेंगे क्योंकि इसमें कुछ कमियाँ रह जाती है, तो हम इरेजर पे क्लिक करेंगे और इस तरह से इसे इरेज कर देंगे। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड रिमूविंग की सबसे बेस्ट ट्रिक की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप देखना चाहें तो डिटेल से उसमें देख सकते हैं। और वो सबसे बेस्ट ट्रिक होगी रिमूविंग के लिए, सबसे क्लियर फ़ोटोज़ में आपको मिलेगी। फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए वो देख ले और हम इसे टाइम वेस्ट ना करते ऐसे कर लेता हूँ पूरा। और थोड़ा सा ये एरिया रह गया, ऐसे हम कर लेते हैं रिमूव इसमें से, ओपेसिटी को 96 के आसपास करके इसके बाद डन कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने बैग इसको ठीक करने का थोड़ा पार्ट स्किप कर दिया है। ये फ़ोटो ऐड हो गई, इसके बाद हम ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और एक रिम लाइट का जो PNG है उसे हम ऐड करेंगे। ये PNG हम इसे ऐड कर लेते हैं और इसको इस तरफ स्क्रीन पे सेट करेंगे और उसके बाद इसका ब्लेंडिंग पे जाएंगे और ब्लेंड मोड चेंज करके स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन अब इसे हम एडजस्ट कर लेंगे अपनी फ़ोटो में कि फेस के ऊपर भी ज़्यादा ना आए, लेकिन बॉडी का एक हिस्सा हमारा इस लाइट के नीचे हो। इसके बाद हम इसे डन कर देंगे। इसके बाद फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे, फिर दूसरा PNG जो फोक PNG है इसे हम ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसका ब्लेंड मोड भी स्क्रीन कर देंगे और इसे एडजस्ट करके इसे डन कर देंगे। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप जो सबसे ज़रूरी है फ़ोटो को रियलिस्टिक दिखाने के लिए, इसलिए इसमें ऐड फोटो पे क्लिक करके ये वाला PNG ऐड कर लेंगे और इसको डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। ऊपर रेजर के बगल से क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे और एक लेयर को सेलेक्ट करके हम अपने जो चश्मा है इसके ऊपर लेके आएंगे और इसे इस तरह छोटा करके एडजस्ट करेंगे और उसके बाद रेजर पे क्लिक करेंगे। अब इसको पहले एक ऊपर पूरा रेज कर लेंगे। अच्छे से रेज कर लेंगे, इसके बाद रिस्टोर पे क्लिक करेंगे और इरेजर की ओपेसिटी को, हार्डनेस को थोड़ा कम करके ओपेसिटी को फुल करके एक फिर से इसे हम रेज करेंगे, रिस्टोर करेंगे जो इस तरह होगा, इसे अच्छे से कर लेंगे। फ्रेंड्स, फ़ोटो का रियलिस्टिक लुक लेने के लिए ये स्टेप सबसे ज़रूरी है। इस स्टेप के बिना हमारी फ़ोटो में रियलिस्टिक लुक नहीं आएगा। और सेम इसी तरह हमको दूसरी साइड भी करना होगा। ये अच्छे से हो गया, तो हम इसे थोड़ा और करके अच्छे से एक बार देख लेते हैं, कोई कमी ना रह जाए, और उसके बाद इसे हम डन कर देंगे। अब दूसरी लेयर को लेंगे और इसके दूसरी साइड सेट करके उसे अच्छे से कर लेंगे, जिस तरह ये किया था वैसे ही उसे भी डन कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे ड्रॉ टूल में। और जो हमारी न्यू लेयर सेलेक्ट है उसके ऊपर हम वाइट कलर पिक करेंगे और ब्रश की सेटिंग सेट करेंगे हार्डनेस को एक, और उसके बाद ओपेसिटी को कम करेंगे और साइज़ अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। ओपेसिटी 30 के आसपास सेट करके यहाँ साइड में कॉर्नर में इस तरह ड्रॉ करेंगे, जिससे थोड़ा साइज एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ इस तरह ड्रॉ करेंगे जिससे इसमें रियलिस्टिक लुक आएगा, जैसे हमारे सेट पे ये लाइट पड़ रही हो। इसे हम फटाफट करेंगे। फ्रेंड्स, फ़ोटो में रियलिस्टिक लुक देने के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। मैं इसे फटाफट कर लेता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए।
फ्रेंड्स ये इसे हम थोड़ा और देखिए, लेयर बन गई एक्स्ट्रा। इसकी ओपेसिटी को हम कम ज़्यादा करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले सकते हैं कि ज़्यादा लुक ना लगे, और इस फोटो को हम सेव कर देंगे। इसके बाद हम इसे ओपन करेंगे लाइट रूम ऐप में। हम ऐड फोटो पे क्लिक करके इस फोटो को ऐड कर लेते हैं। अब इस फोटो पे जाएंगे और इसके बाद लाइट्स में जाएंगे, एक्सपोजर को थोड़ा कम करेंगे, -0.20 के आसपास। कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाएंगे, 4-5 हाईलाइट्स को हम बढ़ाएंगे 20 के आसपास। शेडोज़ को कम कर देंगे, -44, 45। शेडोज़ को हम 12-13 कर देंगे, और वाइट्स को हम 22 के आसपास कर देंगे, और ब्लैक्स को 20 के आसपास करेंगे। इसके बाद कलर्स में जाएंगे, सेचुरेशन को +4 करेंगे, और मिक्स टूल में जाके ऑरेंज की सेचुरेशन कम और लुमिनेंस को बढ़ाएंगे, जिससे हमारी स्किन पे थोड़ी लाइटिंग बढ़ेगी। और इसके बाद ब्लू कलर की सेचुरेशन को कम करेंगे, लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे टेक्सचर में, इफेक्ट्स में टेक्सचर को बढ़ाएंगे, क्लियरिटी को 4 पे इंक्रीज करेंगे, बिगनेट डालेंगे हम थोड़ा इसमें 25 के आसपास, और फैद विनेट को 25 नहीं, -35, और फेदर को करेंगे हम 61 के आसपास। उसके बाद जाएंगे हम डिटेल्स में, इसमें शार्पनेस ऐड करने के लिए 75 के आसपास इसकी शार्पनेस कर देंगे, मेकिंग्स को 4, कलर नॉइस रिडक्शन 20 के आसपास, और स्मूथनेस को हम कर देंगे 25। ये देखिए फ्रेंड्स, बिफोर आफ्टर। अब इस फोटो को हम सेव कर देंगे।